मित्रों नमस्कार। मैं आज आपसे जुड़ी आम जनता से जुड़ी हुई एक नई समस्या की ओर इंगित करते हुए हम प्रस्तुत करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर को। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश भर में जो माहौल है, हर विभाग हर मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ जो भी विभाग है, उन सब का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, वो प्रक्रिया फिर से नए सिरे से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लागू होने जा रही है। ऐसा हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे कुछ बहुत कुछ सामने आया है। ये क्या है, क्या आम आदमी कुछ वो चिकित्सा सुविधा जो सस्ती दर पर मिला करते थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वो अब नहीं मिलेगी? क्या जांच के लिए जो जितना पैसा कल तक हमको देना पड़ता था, वो अब कई उससे ज्यादा देना पड़ेगा? इन सभी मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे डॉक्टर ओम शंकर जी से, क्योंकि उन्होंने इसको इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ पत्र व्यवहार भी किए हैं, तो हम सीधे सीधे लेकर के चलते हैं आपको डॉक्टर ओम शंकर जी के पास और उनसे इस बाबत पूरी जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार सर। इन दिनों विश्वविद्यालय कैंपस से लेकर के पूरे शहर के बीच में एक चर्चा बहुत तेजी से है कि सुंदरलाल चिकित्सालय में, जहां जिसे एक तरह से माना जाता है कि वो पूरे उत्तर भारत के लोग आकर के वहां पर अपना इलाज कराते हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिलती आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे उनसे छीनी जा रही है एक तरह से। खासतौर पर अगर कोई मरीज यहाँ आता है, और पहले हम लोग सुनते थे लगातार ये प्रयास होता था अस्पताल प्रशासन का कि उसे किसी भी चीज के लिए बाहर न जाना पड़े कैंपस से, कि सारी जांच कैंपस के अंदर हो जाए और वो भी किफायती दर पर। अब ये सुनने में आ रहा है कि इसमें एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ की जो लेबोरेटरी थी, जो जहाँ हम लोग जाकर के आम पब्लिक जांच करवाती थी, उसे भी निजी हाथों में सौंपने की शुरुआत की जा रही है। ऐसा कुछ बहुत तेजी से शहर के बीच में सामने आया है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने जो सुना है ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये निजीकरण का मतलब क्या होता है। ये निजीकरण का मतलब होता है, जैसे आप गांव समाज में अगर देखेंगे कि मान लीजिए किसी परिवार के अंदर दो बेटे हैं, और एक बेटा जो है वो इस बात पर विश्वास रखता है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति का विस्तार अपनी मेहनत मजदूरी करके करता है, यानी कि कल को 10 रुपये पिताजी ने जो छोड़ के उनको दिया था या छोड़ के गए थे, उससे वो 12, 14 या 15 कर लेते हैं। एक दूसरे तरह का भी दूसरा बेटा है, वो इस चीज में विश्वास करता है कि पिताजी जो 10 रुपया दिए थे, उस जमीन को बेचकर दारू पिया जाए, मुर्गा खाया जाए, नई गाड़ियां खरीद ली जाए। और चूंकि जो पिताजी देकर जाएंगे, ज्यादातर लोगों के पास वो बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। कोई भी सरकार जो है, इसी तरह के परिवार की तरह एक बड़ा परिवार है। सरकार में भी दो तरह की सोच के लोग हैं। एक तरह के सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो
इसी तरह की परिभाषा में विश्वास करते हैं जैसा कि पहले वाले उदाहरण में मैंने दिया, यानी एक बेटा है पिताजी का जो अपने पिताजी के दिए संपत्ति को आगे की ओर अपनी मेहनत मजदूरी करके बढ़ाता है और अपनी पैतृक संपत्ति को संरक्षित करता है। और सरकार में इस तरह के गवर्नमेंट को सोशलिस्टिक गवर्नमेंट कहते हैं, यानी जहां पर सरकार जो है खुद काम करने पर विश्वास करती है और आम जनता, यानी जैसे घर चलाने के लिए एक व्यक्ति जो बताया उदाहरण में वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है और अपने परिवार को पालता है, तो उसी तरह सरकार जो एक बड़ा घर के समान है, इसी सोच का व्यक्ति या समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो राजनेता होते हैं या पार्टियां होती हैं, वो इस चीज पर विश्वास करती है कि संसाधन जो संसाधन जो शक्ति के स्रोत हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इसको, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन के जो स्रोत हैं उस पर सरकार का स्वामित्व हो और उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो पैसे कमाए जाए उस पैसे को आम जनता की भलाई में उपयोग किया जाए और उस पर कम से कम टैक्स लगाया जाए, क्योंकि आप सरकार चलाने के लिए या तो टैक्स पर विश्वास करेंगे या खुद की मेहनत करने पर। तो जो काम करने वाली कमाऊ या कर्मठ सरकारें होती है, ईमानदार सरकारें होती है, वो अपनी मेहनत से वो खुद की फैक्ट्रियां लगाते हैं, वो खुद के लिए संसाधन जुटाते हैं और उन संसाधनों से अर्जित धन को सामाजिक उत्थान में लगाते हैं। एक दूसरी तरह का भाई जो बताया था कि वो जमीन बेच कर काम करने में विश्वास करता है, पिताजी के पैतृक धन को वो बेच कर खाने में विश्वास करता है, जो आखिर जाकर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो क्रिमिनल बन जाता है और वो जीवन के जीवन जीने का तरीका जो है दूसरे को कट्टा दिखाकर वसूलने में वसूल कर खाने में, क्योंकि कुछ है तो है नहीं, अब वो क्रिमिनल बन गया कट्टा दिखा के, तुम ये पहुंचा दो तुम ये पहुंचा दो। यही सिस्टम सरकार जब करने लगती है उस तरह के गवर्नमेंट को कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर उत्पादन के स्रोतों पर निजी अपने जानने पहचानने वाले चीजों को सरकारी जो संपत्तियां होती है या सरकार के जो संसाधन होते हैं उनको दे दिया जाता है, यानी कि आपके जो पैतृक संपत्ति थी उसको आपने बेच लिया है। और एक वक्त ऐसा होता है जब सरकार के पास फायदा कमाने के लिए फैक्ट्री तो सब बेच दिए, सारे संसाधन बेच दिए, रेल बेच दिए, रोड बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, तो आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ बचता नहीं है, उत्पादन के कोई स्रोत आपके पास होते नहीं है। तो लाभकारी संस्थाएं जब आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन यानी कि गुंडागर्दी पर विश्वास करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो खाने को कुछ नहीं रहता घर में, दूसरा बेटा जो है वो कट्टा लेके निकल जाता है और सबसे वसूल कर खाता है, गुंडागर्दी करता है समाज के अंदर। सरकार भी उसी तरह से करती है, ये टैक्स लगा दो वो टैक्स लगा दो, आज आप देख ही रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे कोई भी चीजें हो, महंगाई जो है आपके दिनचर्या में उपयुक्त हो, गैस हो, जो भी चीजें हैं खान पान की चीजें हो, सब महंगी हो रही है, क्योंकि सरकार दवाइयां हो हर चीज पर वो टैक्स लगा रही है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है, इसलिए लगा रही है क्योंकि संसाधनों को इस सरकार ने बेच खाया है। और इसी को कहते हैं पूंजीवादी सरकार। और पूंजीवादी सरकार में जब नेता और पूंजीपति का संगठन एक साथ काम करता है तो इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि भ्रष्टाचारी पूंजीवाद, यानी जो पूंजीपति होते हैं यहाँ कुछ लोगों के पास सारे धन इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि वर्तमान सरकार में कुछ गिने हुए दो चार लोगों को, जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय है उन्होंने सब सारी संपदा देश की उनके हाथों में गिरवी दे दी है। तो जब आपके पास शक्ति के स्रोत नहीं बचे, शक्ति का स्रोत क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पैसा, वो आपके पास है ही नहीं, आप उगाही के लिए फिर काम कर रहे हैं तो आम जनता से ही लेंगे, तो आम जनता को देते कम है और लेते ज्यादा है, जबकि बताते ठीक उसके उलट है। और चूंकि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका स्वामित्व तो दूसरे व्यक्ति किसी निजी हाथों में आपने दे दिया है, इसलिए वो अचानक से बहुत मजबूत हो गए हैं, उनके पास सारे धन इकट्ठा हो गया है। और वो सोर्स ऑफ करप्शन भी होता है, जब पैसा
वो सोर्स ऑफ पावर भी होता है और करप्शन भी होता है, और फिर वो सब चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि पैसा शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, और वो पैसा का कंट्रोल आपके हाथों से निजी हाथों में चला गया। और जब इस तरह से पूंजीपति और आम नेता के बीच का साठगांठ होता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म एस्टेब्लिश हो जाता है, देश में लोकतंत्र बच ही नहीं सकता। वो सबसे पहले लोकतंत्र को खत्म करता है, यानी कि आपको आज लगता है कि हमारा क्या, हमारा तो वो था ये रेल रोड, वो तो सरकार था, सरकार क्या है, हम और आप ही सरकार हैं। जो लोकतांत्रिक देश में कहते हैं लोकतंत्र का की परिभाषा ही करती है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यहाँ जो अभी आपके संप्रदायें थी वो बेच ली गई, अब आपके उस सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, और सरकार जो है धन कमाने के लिए टैक्सेशन पर विश्वास करेगा, और इससे सरकार चलाने के लिए आपसे ही वसूलेंगे और आपको देने के बदले आपसे ही लेंगे। अब यही वजह है कि निजीकरण क्यों कष्टकारी है और क्यों इसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, कोई भी आपके आपके अगर दो बेटे हों, आप अपने बेटे को इस तरह से गुंडागर्दी करने वाला बेटा बनाना चाहते हैं, या एक सभ्य सुशील और मेहनत मजदूर से करके कमाना चाहते हैं, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश आज एक दोराहे पे खड़ा है। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो ये देश गड्ढे में गिर जाएगा, और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी यहाँ के आम जनता की है। यही वजह है कि जब स्वास्थ्य के निजीकरण की बात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने शुरू की, तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकारी संस्था जब होगी तभी पब्लिक को फायदा दे, तभी पब्लिक को फायदा होगा, उसको सेवाएं दे पाएंगे और कम दाम या मुफ्त में सेवाएं दे पाएंगे। आज अगर इसका निजीकरण हो गया तो जो भी व्यक्ति स्वामित्व तो लेगा उसका मुख्य उद्देश्य इससे धन कमाना होगा, आपको सेवा देना नहीं उसका मकसद है। फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई निजी अस्पताल है, और निजी अस्पताल में 5 दिन भर्ती रख लें, आपकी पूरी जीवन की कमाई खत्म हो जाएगी। हम लोग पिछले 1.5 दशक से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई, राइट टू हेल्थ। ये राइट टू हेल्थ एक तरफ की सरकार जो है अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग के 1.5 दशक के आंदोलन को समझते हुए राइट टू हेल्थ को अपने यहाँ लागू की, राजस्थान की सरकार। और एक दूसरा तरह का मॉडल जो है जो पूरे देश में चल रहा है, जो वर्तमान केंद्रीय सरकार या उसकी अन्य सरकारें करा रही है, जिसका कि उदाहरण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, जो पैतृक संपत्ति यानी हमारे जो पूर्वजों ने इतने मेहनत से इस विश्वविद्यालय को बनाया, उसको बेचकर पैसा इकट्ठा करने और व्यक्तिगत कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने और आम जनता के जो सुविधाएं थे उसको खत्म करने की शुरुआत है। अगर कोई भी हमारे जैसा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो इस चीज को समझता है कि हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हम आपको टैक्स दें, दोनों हाथ से तालियां बजेगी। अगर आपको मैं कुछ दूंगा, आप मतलब सरकार, तो सरकार को अगर हम टैक्स देंगे, कोई भी इस देश का आदमी फ्री में कुछ नहीं खाता, और जो भी सुविधाएं मिल रही है वो उनके ही पैसों से मिल रही है, ये कोई पार्टी नहीं देती है, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, किसकी भी सरकारें हो, जो सरकार आती है वो आपका ही पैसा आपको वापस करता है। और जो भी सरकार आपको ये बताती है कि आपके ऊपर एहसान कर रहा है, वो सरासर झूठ कह रहा है और आपके साथ छल कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैसे आप ही के द्वारा टैक्स में जमा किए हुए पैसे हैं, कोई अपने पार्टी फंड से पैसा इकट्ठा करके नहीं आपके बीच में बांट रहा है। तो और अगर आपने अपने जो यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति वो आपकी संपत्ति है, उस संपत्ति का अगर निजीकरण होगा, तो जैसे आपका घर बिक रहा था धीरे 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 आपने पैतृक संपत्ति को बेचा और एक दिन आपके पास कुछ नहीं बचा, तो जब बचेगा नहीं तो फिर आपके पास गुंडागर्दी और क्राइम करने के अलावा कोई उपाय, क्योंकि काम करने की आदत तो है नहीं, वो तो पहले से आपने छोड़ रखी है, वरना आप उस रास्ते पर मेहनत मजदूरी करते जो आप कर नहीं रहे, और फिर ये जो सुविधाएं हैं आपकी कम हो जाएगी, और जब सुविधाएं कम हो जाएगी तो उस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में जो अर्जित धन है वही उसमें उपयोग होगा, तो आपकी गरीबी बढ़ेगी, आपको सुविधाएं कम होगी, और सुविधाएं मिलेगी नहीं तो बिना इलाज के लोग मरने लगेंगे। अभी हाल में आपने कोविड में देखा किस क्या हालत थी,
ऐसे हालात, अभी हृदय की बीमारी जो है वो देखते हैं कि आपको एक नई महामारी के रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस दौर में ज्यादा से ज्यादा समाज को, जो सरकार को उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मूलभूत स्तंभ और आधार हैं। ये विकास के भी, किसी भी विकास या देश जो मजबूत बनना चाहते हैं उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो मौलिक चीजें हैं। ये वहां की जनता को एक क्वालिटी यानी ह्यूमन कैपिटल करते हैं, मानव पूंजी का निर्माण करता है। जब और चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार देने में जो पैसे खर्च होंगे ये आपके ही टैक्स पेयर्स का पैसा है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स से दिया है, कोई डायरेक्ट टैक्स से दिया। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं तो कोई आप टैक्स पे करते हैं, उस पैसे का सदुपयोग इन्हीं दो चीजों पर होना अनिवार्य होना चाहिए, सारी पढ़ाई और सारे स्वास्थ्य के अधिकार। उसके बाद व्यक्ति जो है उसके अदर चीजों में अगर सीमित, अगर आप कोई काम कर रहे हैं जहां पर निजीकरण आप आपकी वहां आप नहीं कर रहे हैं, आपकी भी अपना आप अपना चलाते रहिए, सरकार को भी चलाने चाहिए जो सरकार के पास फैक्ट्रियां हैं, और निजी को क्षेत्र को भी आप दे सकते हैं आजादी, वो भी चलाए, लेकिन सरकारी संपदाओं को निजी हक के हाथों में नहीं बेची जानी चाहिए। सरकार को और संपदाएं और अस्पताल और स्कूल बनाने चाहिए, क्वालिटी टीचर्स लाने चाहिए, और इस जो टैक्स से इकट्ठा धन है कम से कम 10% स्वास्थ्य और टोटल बजट का स्वास्थ्य पर और 10% शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए, वरना हमारा देश पूरा का पूरा विनाश के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि मैं अपने लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन आम जनता के लिए भविष्य, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस निजीकरण का क्या लाभ होगा, और उल्टे समझा दे रहे आपको कि यहाँ के अधिकारी समझा रहे इससे ज्यादा उनको बेनिफिट होगा, तो इसका मतलब है कि आज कम उनको सुविधाएं मिल रही है, तो कम सुविधाएं मिल रही है तो किसकी वजह से मिल रहा है, जो उनके इंचार्ज हैं, जो व्यक्ति इस सुविधाओं को देख रहे हैं यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अस्पताल का जो सबसे सर्वे सर्वा है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अगर वो कहते हैं कि सुविधाएं उसके आने से मिलेगी तो इसका मतलब आप एक अक्षम अधिकारी हैं जो सुविधा देने में असफल हैं, तो आप सबसे पहले त्यागपत्र दीजिए और दूसरे व्यक्ति को कहिए कि आप देखें, जरूरी थोड़े कि हर जगह का एक ही सॉल्यूशन है कि उसको भेज दीजिए, हो सकता है आपको चलाने नहीं आता हो, दूसरा आदमी आपसे बेहतर चला सकता है, हो सकता है कि उससे ज्यादा सुविधाएं मरीजों को दे सकता है, क्योंकि ये जो इकाई है ये सबसे ज्यादा लाभकारी इकाई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ सुंदरलाल अस्पताल का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है खून और पेशाब वगैरह की ही जांचें होती है, और सबसे ज्यादा धन चूंकि यहाँ फ्री में कोई इलाज नहीं होता है, कम पैसे में होता है, इसलिए इससे भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाभ कमाती है, और उसका शुद्ध लाभ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की ही माने तो कम से कम 10 करोड़ सालाना शुद्ध लाभ जनरेट करती है ये आज के समय में। अगर वहां पे सुविधाओं की कमी है तो 10 करोड़ सुविधाएं, नई सुविधाएं विकसित करने के लिए, आम जनता को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए बहुत ही पर्याप्त धन है। और सरकारी अस्पतालें लाभकारी संस्थाएं नहीं होती है, ये सरकार आम जनता को सुविधाएं देती है जो लाभ का चीज होता है, और जब निजी क्षेत्र की कंपनियां आएंगी तो उस लाभ के ऊपर भी लाभ कमाएगी। और यहाँ का जो बिजनेस मॉडल है जो अभी जो चल रहा है उसमें इन लोग का जो खेल है वो, जब इस देश में आप मोबाइल नेटवर्क की जिस तरह से खेल हुआ था उसी तरह का खेल जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस समय का, इस बार जो निजीकरण हो रहा है, जो लैब का निजीकरण हो रहा है CCI लैब का बनारस हिंदू, उसमें इसी तरह का खेल खेले जा रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि जैसे BSNL था और जियो और ऐसी कंपनियां आई, तो आप देखें कि सारी जो निजी कंपनियां आई, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, ये जो कंपनियां आई इन सब ने उसी का जो BSNL का ही नेटवर्क था पूरे देश में उसका उपयोग किया। और आज जो है BSNL क्या कर रही है आप जानते हैं, और बाकी की कंपनियां कितने करोड़ और कितने लाख करोड़ कमा रही है ये आप देखते हैं। तो इसी तरह का ठीक जो अभी कोशिश की जा रही है यहां पर वही की जा रही है। अभी कह रहा है कि नहीं CCI लैब तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि CCI लैब के अंदर आके जो जांच करेगा वो व्यक्ति बाहर का होगा, जो निजी व्यक्ति होगा, और उस कंपनी का नाम है POC, उस कंपनी के इंप्लाई होंगे वहां, वो अपना मशीन लगाएंगे
वो अपने इम्प्लॉय रखेंगे। ये पहले तो समस्या यहाँ के जो इम्प्लॉय है उसके ऊपर भी आएगी कि वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, समायोजन होगा कहाँ होगा, क्या होगा, एक वो भी एक समस्या होगी। दूसरा बात यह है कि इसकी लाभ जो है वो शुरुआती दौर में वो ठीक है सामान्य दिखा सकता है कि अभी शुरुआत में हमारे जैसे लोग हैं जो इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अभी दो चार एक साल दो साल के बाद ये बढ़ जाएगी। वैसे जैसे बढ़ानी है उसकी, वो अधिकारियों के साथ तो मिले हैं, उनके साथ अपना साठ गांठ के साथ मिल जाएगी, कुछ उनको मिलेगा कुछ इनको लाभ मिलेगा, दोनों लाभ का वितरण आपस में करेंगे। बिना लाभ के वितरण के तो ये भी नहीं कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं, तो इस वितरण से दोनों का लाभ होगा, लेकिन अल्टीमेट उस लाभ में भुक्त होगी आम जनता होगी, गरीब जनता होगी, लाचार और मजबूर जनता होगी। और इसके एवज में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा एरिया पीओसीटी को दे दिया है। एक तो सीसीआई लैब कंटिन्यू रखेगा तत्काल दिखाने के लिए, मैं तो सीसीआई लैब वैसे है क्या नया है, इसमें कहां निजीकरण हो रहा है, सब तो समान है, लेकिन निजी व्यक्ति आके यहाँ मशीन लगा रहा है, वो निजी व्यक्ति आप जो है खरीद के उस मशीन में रीजेंट उसका खरीद रहे हैं और लाभ कमाएगा वो कंपनी वाला, फिर कहेगा कि कोई निजीकरण तो हो ही नहीं रहा हुआ। फिर उस ये तो सीसीआई लैब किया, सीसीआई लैब के बगल में एक पीओसीटी को अलग से एक एरिया दिया गया और काफी बड़ा एरिया है जहां पर कि पहले अमृत फार्मेसी चलती थी जिसके फर्स्ट फ्लोर पे घाव क्लिनिक चलता था, उसके आगे कुछ स्टोर्स वगैरह थे, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स उनको दे दिया गया है जिसमें पूरी की पूरी जांच घर पीओसीटी भी चलाएगी, यानी कि दो घर पैरेलल में चलेगी, एक बीएसएनएल एक रिलायंस, इसी तरह सीसीआई और वो पीओसीटी। आपको पता ही है कि बीएसएनएल का क्या हुआ, रिलायंस जियो जब आए तो वही हाल इनका भी होगा, ये धीरे धीरे सीसीआई की सीसीआई को उसकी नेचुरल डेथ की तरफ भेज दिया जाएगा और सारा माल जो है पीओसिटी में चला जाएगा और आम जनता का वैसे ही शोषण होगा, जहां रिलायंस शोषण कर रहे हैं पैसा पे करने वाला, यानी सरकार को ऐसी ऐसी पॉलिसी नहीं ले आ रहे हैं जिससे कि पैसा अडानी अंबानी से निकलकर आम जनता के पॉकेट में जाए, बल्कि ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं निजीकरण का खेल जिसमें आम जनता का सारा पैसा निकलकर सरकार और उनके समर्थित मित्रों के पास चले जाए और आम जनता गरीब से अति गरीब बनता जाए और उनका शोषण निरंतर जारी रहे और वो खुश भी रहे कि बहुत सुविधा, और उसको कहे कि बड़ा सुविधा हो रहा है, पहले तो ये था नहीं अब सुविधा बढ़ गई। यही सुविधाएं आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अधिकारी उन्हीं से अर्जित धन से भी दे सकते हैं जो वो दे नहीं रहे, वो नई मशीनें लगा सकते हैं जो नहीं लगा रहे, 10 करोड़ लाभ है उनका, 10 करोड़ में वो मशीनें आ सकती है, उसके बैठने की सुविधाएं हो सकती है, एसी कूलर लगाई जा सकती है जो आप नहीं देना चाहते और आप उन्हीं को समझाते हैं कि जो बाहर वाला आएगा वो देगा, और ये पहले भी दो तीन बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो बुरी तरह फेल हुए हैं। सीटी स्कैन प्रॉमिस आया था कि अभी ये रिपोर्ट नहीं देता, दो दिन लगता तीन दिन लगता, आज 8 दिन में रिपोर्ट आती है। आपने सीटी स्कैन का निजीकरण किया है उसका हालत देख लीजिए, वही हालत है जो पहले थी किसी की भी। उसके बाद आपने दो दवा की दुकानें खोली, अमृत फार्मेसी और उमंग फार्मेसी, वहां में दवा खरीद के देखिए बाहर से भी महंगी दवाएं बिकेगी आपको, पहले तो कहा बड़ा सस्ता होगा, इतना परसेंट डिस्काउंट उतना परसेंट डिस्काउंट, आज हो क्या रहा है वो देख लीजिए। घटिया दवाएं बेची जाती है जिसमें कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, लो क्वालिटी चीजें प्रोडक्ट बेची जाती है ताकि आम जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सके, और ये मसला भी मैंने कई बार उठाया है। हमारे खुद के डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर जबरदस्ती गलत मतलब पैसे कमाने के लोभ में लो क्वालिटी चीजें बिचवा रहे हैं अंडर प्रेशर, हमारे डिपार्टमेंट के पॉलिसीज को ओवर पावर करके, ये सब निजीकरण को प्रमोट कर समाज और समाज के शोषण की एक प्रक्रिया है जो इस देश में लाई जा रही है, जो आगे भविष्य के लिए जहर का काम करेगा और पूरी की पूरा समाज जो है कमजोर लाचार और बीमार और मजबूर होने वाला है उस स्थिति में ला देगा जिस समय में सिर्फ हर जगह आप सरकार के आगे आप योग्य नहीं बनाया जा रहा, आपको अयोग्य बनाया जा और असमर्थ बनाया जा रहा ताकि आप सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़े साहब मुझे चाहिए, और वो कुछ भी दे देगा वो आपको बता देगा कि बहुत बड़ा आपके पास जो है एहसान कर दिया गया है और आप मुझे वोट दीजिए। और यही पूरी प्रक्रिया है निजीकरण के। अब आम लोगों को समझना है कि कौन से बेटा के साथ जाए, ऐसा बेटा जो जमीन बेचकर खाएं या ऐसा बेटा जो मेहनत मजदूरी करके खुद भी खाएं और परिवार को भी चलाएं, यानी कि ऐसा ऐसा नेता जो खुद अपने
राष्ट्र का भी विकास करे और पूरी दुनिया में नाम कमाए और राष्ट्र को भी मजबूत करे, और दूसरा वो जो राष्ट्र को बेचकर कुछ लोगों को मजबूत कर दे सारी संपदाएं और पूरी आम जनता जो है उसके गुलाम बन जाए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो किसी भी रूप में मरीजों के हित में एकदम नहीं है। केवल वो कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका विरोध आप सबने शुरू किया है। और मैं ये चाहूँगा कि आम जनता से जुड़कर जुड़ते हुए, ताकि लोग भी वहाँ जो जाएंगे उन्हीं की जेब से पैसा निकलना है। आज अगर हमको 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए देने हैं तो कल वो पैसों में नहीं, वो रुपयों में आएगा, वो फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन चीज़ों से जो पूर्वांचल की जनता है, गरीब जनता, उसका एक तरह से ये शोषण होगा। इस शोषण से बचने के लिए पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा। इसका अभी इसके लिए आवाज़ डॉक्टर ओम शंकर जी ने उठाई है, वही ओम शंकर जी जो अरसे से एक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया भी। शुरुआत उन्होंने की थी बनारस में एक पृथक एम्स लाने के लिए, वो संघर्ष अभी भी जारी है। सपना जरूर दिखाया गया, एम्स की तर्ज पर सरसुंदरलाल अस्पताल को चलाने की मंजूरी दी गई, लेकिन ये नहीं मिला, ये निजीकरण के दौर में पहुंचा दिया गया उसको। और दिखाया सपना था एम्स का और होने लगा यहाँ का निजीकरण। यानी कि निजीकरण का मतलब क्या होता है? बेचा जाना सीधी आम जनता में। जैसे हमने उदाहरण देकर बताया था कि जब कोई व्यक्ति, मतलब एक बेटा, जब वो जमीन पिताजी वाला बेच रहा था, तो इसी जमीन बेचने को निजीकरण कहते हैं, जमीन बेचकर खाने को निजीकरण कहते हैं। तो जब ये महामना की बनाई हुई इतनी मेहनत से इस बगिया को किए गए, खड़ा किए गए बगिया को, जब यहाँ के बैठे हुए अधिकारी बेचकर खा रहे हैं और आम जनता को इसका, इसके दुष्प्रभाव को झेलना पड़ेगा, तो इसी को निजीकरण कहते हैं। यानी निजीकरण ही बेचना है, यानी कि सीधा सीधा इसको बेचा जा रहा है, ये आप समझिए। तो आइए हम सब डॉक्टर साहब के साथ जुड़े और अपनी जो ये साथी है उसे बचाएं, खुद के लिए बचाएं, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं, समाज के लिए बचाएं। नमस्कार।